हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आर यू ऑल लास्ट वीडियो में हमने हमारी यूनिट फाइव का चैप्टर नंबर टू वी आर ऑल इंडियंस को रीड किया था आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सो लेट अस स्टार्ट सबसे पहले न्यू वर्ड्स पेज नंबर नाइन्टी सिक्स फेस्टिवल त्यौहार पपेट कटपुतली ट्रेवल यात्रा करना पेंटिंग चित्रकला नेबर पड़ोसी फिंगरप्रिंट्स उंगलियों के निशान नाउ पेज नंबर नाइन्टी एट लेटर स्पीक ए पार्ट वॉट डू यू से वेन यू वॉन्ट टू एंटर द क्लास रूम मान लीजिए आपको क्लास रूम में एंटर करना है तो आप अपनी टीचर से कैसे परमिशन मांगेंगे मे आई कमिंग मैम नंबर टू यू वॉन्ट टू विजिट द वॉशरूम मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना है तो मे आई विजिट द वॉशरूम मैम नंबर थ्री यू वॉन्ट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड अगर आपको अपने फ्रेंड से बुक लेनी है तो मे आई बोरो योर बुक नंबर फोर यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक तो आप क्या कहेंगे सॉरी नंबर फाइव यू नीड अ पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ पेंसिल आपको एक पेंसिल चाहिए और आपके फ्रेंड ने आपको पेंसिल दे दी तो आप क्या कहेंगे थैंक यू नेक्स्ट बी पार्ट चूज अ पार्टनर आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली आपको अपने फ्रेंड के साथ ये चीज़ें पूछनी हैं वॉट लैंग्वेज डू यू स्पीक तुम कौन सी भाषा बोलते हो कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज क्या आप एक से ज़्यादा भाषा बोलते हो नंबर एट विच इज़ योर फेवरेट डिश तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है विच इज योर फेवरेट ट्री तुम्हारा फेवरेट ट्री कौन सा है और फिर उसको कहिए कि वो सेम क्वेश्चन आपसे पूछे नाउ पेज नंबर नाइन्टी एट लेटस ड्रो ड्रॉ वन थिंग डैट यू लाइक द मोस्ट इन योर होम आपको अपने घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उसको आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नाउ लेट लेटर स्पीक पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं बी आर ई ए डी बी आर आई डी जी ई बी आर ओ डब्ल्यू एन तो इन सब में क्या कॉमन है बी आर इसको ब्लेंडिंग कहते हैं जब दो लेटर्स को मिला के हम एक साउंड बनाते हैं तो बी आर से बनेगा ब्र बी आर ई ए डी ब्रेड बी आर आई डी जी ई ब्रिज बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन ऐसे ही एफ आर ओ सी के एफ आर ए एम ई एफ आर ओ जी इन तीनों में क्या कॉमन है एफ आर इसको बोलेंगे फ्र एफ आर ओ सी के फ्रॉक फ्रेम एंड फ्रॉग तो ये बी आर और एफ आर दोनों ही क्या हैं ब्लडिंग हैं नाउ लेटस लिसन फ्रेम सेंटेंसिस यूजिंग द अबव सेट ऑफ वर्ड गिवन ऑन द प्रीवियस पेज जो भी पहले वर्ड्स दिए गए हैं उनका यूज करके आप सेंटेंसिस बनाएंगे जैसे इट वॉज अ ब्राइट सनी डे my brother went to buy bread he crossed the bridge to reach the shop चलिए बाकी सेंटेंसेस बनाते हैं ही बॉट अ ब्राउन ब्रेड उसने शॉप से एक ब्राउन कलर का ब्रेड खरीदा देयर वाज अ फ्रेम इन द शॉप शॉप में एक फ्रेम लगा हुआ था माय ब्रदर सो अ फ्रॉग मेरे भाई ने एक फ्रॉग देखा द गर्ल वाज वेयरिंग अ ब्राउन फ्रॉग तो ये सेंटेंसेस आप लर्न करेंगे नाउ नेक्स्ट पेज लेट अस राइट Discuss with your teacher and answer the following questions. First one, what do we call the people who live in India? जो लोग इंडिया में रहते हैं हम उनको क्या बुलाते हैं We call them Indians. Number टू name the festival of colors. जो रंगों का त्यौहार होता है उसको किस नाम से जानते हैं Holi. Number थ्री which festival do you like the most? Why? आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है ये आप यहाँ बताएंगे Now, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स द आंसर विल बी द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको जम्बल करके लेटर्स दिए हुए हैं आपको सही करके बताने हैं और वो किसी लैंग्वेज का नाम बनेंगे तो इससे बनेगा एच आई एन डी आई हिंदी देन नंबर टू ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश नंबर थ्री यू आर डी यू उर्दू एंड नंबर फोर टी ई एल यू जी यू तेलुगू तो ये सभी क्या हैं लैंग्वेजेस हैं नाउ सी पार्ट ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग बट यहां पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको बट लगाकर जोड़ना है जैसे पहला करके दिखाया है आई लाइक टू ईट मैंगोज आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स तो पहले लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस आई लाइक टू ईट मैंगोज फिर बट लगाएंगे आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स फिर दूसरा सेंटेंस लिख देंगे बहुत ईजी है अब देखिए सेकेंड में आई लाइक मिल्क तो पहले लिखेंगे आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी नेक्स्ट वन माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रोंग नेक्स्ट वन आई वॉन्टेड टू गो आउट बट आई वॉज टू टायर्ड नाउ पेज नंबर वन जीरो फाइव मैच द फ्रूट टू द ट्री दे ग्रो ऑन यहाँ लेफ्ट में कुछ फ्रूट दिए गए हैं राइट में उनके ट्रीज हैं आपको मैच करना है अब देखते हैं कुछ कॉमन फेस्टिवल्स के बारे में फर्स्ट है फूल देई फेस्टिवल दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स फूल देई जैसे कि नाम है फूल तो फूल का मतलब होता है फ्लावर्स तो ये फ्लावर्स का फेस्टिवल है दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग जब वसंत ऋतु आती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स बच्चे अलग अलग तरह के फूल इकट्ठा करते हैं दे गो टू द हाउसेज नियर देयर होम अपने घर के पास में जो भी दूसरे घर है वो वहाँ जाते हैं दे ऑफ़र फ्लावर्स टू द एल्डर्स और जो बड़े लोग हैं उन सभी को वो फ्लावर्स देते हैं समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप कई बार वो दरवाजे पर भी फ्लावर्स को रख देते हैं द एल्डर्स गिव them राइस एंड जैगरी और जो बड़े लोग हैं वो उनको चावल और गुड़ देते हैं जैगरी होता है गुड़ उसके बाद एक और फेस्टिवल है शरद पूर्णिमा ये भी हमारी इंडिया में मनाया जाता है शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट फुल मून होता है जब चांद पूरा निकलता है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं तो ये मनाया जाता है शरद पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन अश्विन मतलब सेप्टेम्बर और अक्टूबर में आता है ये तब मनाया जाता है द वेदर इज जनरली प्लेजेंट मौसम बहुत सुहावना होता है शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तब शरद पूर्णिमा आती है अब है आदि पेरुकू आदि पेरू एक तमिल मॉनसून फेस्टिवल है तमिलनाडु में जब बारिश होती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है इट इज सेलिब्रेटेड इन आदि मंथ आदि मंथ शुरू होता है जुलाई और अगस्त में पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी वहाँ पर एक रिवर है नदी है जिसका नाम कावेरी है तो लोग उसकी पूजा करते हैं फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट हार्वेस्ट होती है फसल की कटाई जब फसल पक जाती है तो वहाँ के किसान प्रे करते हैं गॉड से कि उनकी फसल अच्छी हो उसके बाद है पांग लाभसोल पांग लाभसोल एक फेस्टिवल है सिक्किम का दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर तो ये अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है माउंट कंचनजंगा इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे आपको पता है सिक्किम में माउंट कंचनजंगा सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है तो उसकी पूजा वहां पर की जाती है माउंट कंचनजंगा इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि ये पहाड़ की चोटी हमें प्रोटेक्ट करती है पीपल डांस एंड सेलिब्रेट लोग वहाँ पर डांस करते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं नाउ द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ आपको पता है हमारी धरती पर एनर्जी हमें किससे मिलती है सन से डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट्स द सन क्या आप कोई ऐसा फेस्टिवल जानते हो जिसमें सन की पूजा की जाती है येस छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जो एस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है वहां पर सन यानी कि सूर्य देवता की पूजा की जाती है ये थी हमारी एक्सरसाइज फ्रॉम द चैप्टर वी आर ऑल इंडियंस आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज हमारा क्लास सेकेंड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है हम नेक्स्ट सीरीज में शुरू करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स टिल देन बाय बाय कीप लर्निंग